हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हम डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ लिया था। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब सामाजिक विकास। तो जैसा कि आपको बताया कि टीचिंग क्या है, एक नोबल प्रोफेशन है और टीचिंग से हम बच्चों को आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो किसी भी देश की जो सोसाइटी है, इसके फाउंडर्स कौन है? आने वाले समय में यही बच्चे। तो उस बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वो बच्चा एडजस्टमेंट कर सके। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी के लिए उसे एडजस्टमेंट क्यों करना है कि सोसाइटी उससे क्या जरूरतें चाहता है, सोसाइटी की उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं और सोसाइटी को कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको आगे बढ़ाना है। तो इन सभी कारणों को पूरा करने के लिए बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हर एक कंट्री का एक अलग सोशल माहौल होता है। भारत का सामाजिक माहौल अलग है, दूसरे देशों का अलग है, पश्चिमी देशों का अलग है, एशियाटिक कंट्रीज का माहौल अलग है। तो जैसे हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो बच्चे से सोसाइटी ये उम्मीद करती है कि वो बच्चा आगे चल के सोसाइटी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। और वो सोसाइटी की जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? जब उस बच्चे के अंदर सोसाइटी में मिलने वाले हर इंसान के प्रति कोऑपरेशन की भावना हो, जब उस बच्चे के अंदर सोसाइटी के अंदर अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, छोटे लोग, बड़े लोग, सबके लिए रिस्पेक्ट की भावना हो, उसके अंदर हमेशा आगे बढ़ने की यानी मोटिवेशन, अपने से छोटे लोगों को और बड़े लोगों को मिलकर एक साथ चलने की भावना, यही क्या कहलाती है? सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इंसान जब एक सोशल एनिमल है तो उसे सोसाइटी के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, वो चाहे या ना चाहे, देना ही पड़ता है। सोसाइटी क्या उम्मीद करती है ऐसे इंसान से? सोसाइटी उम्मीद करती है कि वो एम्प्लॉयड हो। तो अगर उसको एम्प्लॉयमेंट है तो वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में विकास कर रहा है, और पढ़ने लिखने के बाद भी अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कहाँ से योगदान देगा? यानी कि वो सोसाइटी के अंदर अपने ज्ञान का तो कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ कर ही नहीं पा रहा है। सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है कि जो सोसाइटी का कल्चर है वो उसके नॉर्म्स के मुताबिक चले। यानी कि इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो पढ़ लिख कर जो बच्चा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहा है, यानी उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो इस कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें इस जनरेशन को क्या सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत भी लाना होता है। सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है कि हम कंपटीशन ना करें लेकिन कोऑपरेशन जरूर करें। तो मिलजुल कर जब इंसान के अंदर दूसरे इंसान के साथ या एक बच्चे के अंदर दूसरे बच्चे के साथ कॉपी शेयर करना, पेंसिल शेयर करना, किताबों को शेयर करना, आपस में ग्रुप स्टडी करना, ये भावनाएं आएगी तो उसका क्या हो रहा है? सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। कल्चर का नॉर्म्स क्या है कि भाई कल्चर या सोसाइटी हमसे चाहती है कि सब मिलजुल कर रहे, पर बच्चा नहीं मिलजुल कर रहता। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट रहते हैं, यानी वो किसी से भी घुलते मिलते नहीं हैं।
ऐसे बच्चे अंतर्मुखी कहलाते हैं। तो इनका सोशल डेवलपमेंट कम होने के कारण इन बच्चों को स्टेज फियर रहता है, ये कभी डिबेट नहीं कर पाते, ये एक्सप्रेस तो खूब करना चाहते पर कभी भी ये बोल नहीं पाते, तो इनका सोशल डेवलपमेंट क्या हो गया, रुक गया। तो कल को ऐसा बच्चा सोसाइटी को क्या एक्सप्रेस करेगा, तो इसलिए सोशल डेवलपमेंट जरूरी है। और सेम इसी तरीके से कुछ बच्चे होते हैं जो हो सकते हैं पढ़ाई में इतने अच्छे ना हो पर वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी स्कूल के अंदर हर को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर उनका कोऑपरेशन रहता है। तो ऐसा इंसान सोसाइटी में भी क्या करेगा, हर एक्टिविटीज में, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, वो एग्रीकल्चर हो या साइंस हो, सभी में अपना कोऑपरेशन देगा। फिर जब वो इन सभी चीजों को करता है तो डेफिनेटली उसके देश का नाम, उसके स्कूल का नाम, उसके घर का नाम रोशन होता है। तो जिससे उसका जो कल्चर है या जो उसका परिवार है वो डेफिनेटली प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है। तो सोशल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर इस तरीके से देखा जा सकता है कि बच्चे को जब हम दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजते हैं तो उनके साथ घुल मिल जाता है, खेलता है, या अकेले में बैठा रहता है, लड़ता झगड़ता है, वो दंड है, बुली टाइप का तो नहीं है। तो ये सारी चीजें ही बताती हैं कि बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट का होना कितना जरूरी है। नेक्स्ट फिर आता है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट मतलब कि सारी की सारी एजुकेशन बेकार है अगर बच्चे के अंदर मॉरेलिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है। यहाँ पर मॉरल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि भाई क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, इसका जो फर्क है वो बच्चा क्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर बच्चा राइट और रॉन्ग को पहचानता है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है तो उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ। देखिए यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं और बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, तो ये बात अलग है कि हम जानते हैं कि बड़े होने के बाद होता है या हो भी सकता है कि सोसाइटी में सच बोलने वाले को ही बेवकूफ कहा जाता है, झूठ बोलने वाला ही तरक्की करता है, या शरीफ इंसान जेल में बैठा है, ये सब चीजें हो सकती हैं। पर बच्चे को वो सिखाना चाहिए जिससे जाकर उसका कैरेक्टर बने, क्योंकि एजुकेशन का एक रोल ये भी होता है कैरेक्टर बिल्डिंग, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसलिए बच्चे के अंदर हमको ऐसा विकास करना चाहिए कि वो राइट और रॉन्ग में फर्क कर सके। एक इंसान के लिए जो सही है वो दूसरे इंसान के लिए गलत भी हो सकता है, पर यही सोच में, दृष्टिकोण में जो फर्क है जब वो बच्चा समझ लेता है तो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का इंसान बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो वो बुद्धिमान बन जाता है, अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता तो बुद्धू कहलाता है, और यही जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है तो वो महात्मा बुद्ध कहलाता है। अब ये हमको देखना है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि टीचर का काम ही क्या है, शिक्षा को बढ़ाना और बच्चे का विकास करना। तो बच्चा अगर इन छह डायमेंशंस में से कहीं भी किसी एक डायमेंशन में लैक कर रहा है तो उस बच्चे का फॉल्ट नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट उस टीचर का है जिसने उसे पढ़ाया और वो उसके अंदर ये डेवलपमेंट नहीं कर पाया। सो दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी फॉर अ टीचर एंड दीज आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। आई होप यू एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।